بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد, گزشتہ درس میں فرقہ واریت کے نقصانات اور آپس کے اتحاد اور اتفاق کی برکات کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی. یہ آپس کا اتحاد اور اتفاق نہ صرف یہ کہ کسی انسان کی کسی معاشرے کی تشکیل کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے, بلکہ یہ اتحاد و اتفاق شریعت کا ہم سے عین مطالبہ ہے. قرآن کریم کی اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور کسی قسم کے فرقوں کے اندر تفرقہ بازی کے اندر نہ اپنے آپ کو ڈالو.
अलामा इकबाल ने इसके ऊपर एक शेर का, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सभी का नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरआन भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में अब बातें सिर्फ इतनी ही रह गई हैं कि इंसान एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरेबान होता फिरे, एक दूसरे के खिलाफ अपनी जबानों को, अपने दीन के उलूम को सिर्फ इन्हीं कामों के अंदर इस्तेमाल करे, बावजूद इसके कि कुफर अपनी पूरी ताकत के साथ इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ है। जरूरत तो इस बात की है कि मुसलमान अहले इल्म जहां कहीं पर भी हैं, सब के सब इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ उस कुफर के खिलाफ लड़ाई करने के अंदर मसरूफ हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के ज़ेल में जो इसका पस मंजर है वो यहूदियों की एक साजिश थी जिसका जिक्र किया था कि मुसलमान जो मदीना मुनव्वरा के अंदर पहले इस्लाम लाने से पहले आपस के इख्तलाफात और लड़ाइयों के अंदर थे, कहीं पर 63 साल पुरानी खून की लड़ाई चल रही थी, कहीं पर तलवार की जंग 93 साल पुरानी चल रही थी और कहीं पर 120 साल पुरानी जंग चल रही थी। इस्लाम के लाने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाने के बाद, ये सारे के सारे अफराद एक इस्लाम के झंडे तले आ गए और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारने लगे, जो वहां पर मौजूद यहूदियों से बर्दाश्त ना हो सका। चनाचे शम्मास इब्ने कैस नामी यहूदी था, उसने कुछ जहालत की बुनियाद पर बड़ों की आपस की लड़ाई की कुछ बातों को अशार की सूरत में एक मजलिस के अंदर कहा, जिससे उनके दरमियान दोबारा से पुरानी बातें ताजा हो गईं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरेबान हो गए। कुरान करीम ने पहले अहले किताब को, इन यहूदियों को खूब तंबी फरमाई, फिर इसके बाद ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो और किसी किस्म की फिरकों के अंदर, किसी किस्म के ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड ना करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के मामले में एक होके रहो। और उसके बाद ये बात भी बता दी कि ये अहले का किताब, ये काफिर जो हैं, ये उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं हो सकते जब तक कि तुम सब के सब को अपने दीन के अंदर, तुम्हें इस्लाम से कुफर के अंदर ना डाल दें। इनका मकसद यही है। जिस मजलिस के अंदर यह वाकया पेश आया था, इसी मजलिस के अंदर कुछ दूसरे कबाइल के भी अफराद थे जिनकी ये लड़ाई नहीं थी, वो वैसे ही उसके अंदर मौजूद थे। जब उन्होंने ये बात देखी कि दो गुरोह आपस में गुत्थम गुत्था हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ये हैरान और परेशान एक तरफ बैठे रहे और देखते रहे कि या अल्लाह ये माजरा क्या पेश आया। तो उन तमाम अफराद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तंबी करने के बाद ये अफराद जो एक तरफ कोने में बैठे हुए थे, इनको भी तंबी फरमाई और इनको इस बात का हुक्म दिया कि तुम्हें इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए था, बल्कि उसूली बात यह थी कि तुम्हें अपने इन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करवानी चाहिए थी। कुरान करीम में सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को तफसील से जिक्र करते हैं, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, जब अहल ईमान के दो गुरोह आपस में किसी वजह से, किसी नासमझी के बिना पर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, लड़ाई कर बैठे, तो तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम किसी एक का साथ दो, बल्कि तुम्हारा काम यह है कि उनके दरमियान सुलह करवाओ। فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, अगर एक गुरोह ने दूसरे गुरोह के ऊपर ज्यादती की है और वो ज्यादती से बाज नहीं आ रहा, तो فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, जिसने ज्यादती की है तुम उसके खिलाफ डट के खड़े हो जाओ, ताहाले के वो जो ज्यादती करने वाला है वो वापस अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, और जब वो लौट आए, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, अब इनके दरमियान सुलह करा दो, وَإِنْ وَأَقْسِطُوا, इस सुलह करवाने के दरमियान इंसाफ से काम लेना, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। फिर इसकी वजह भी बताई कि इंसाफ क्यों करना है, इस्लाह क्यों करनी है, सुलह क्यों करवानी है, इसलिए कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा फअस्लिहू बैना खवैकुम,
अपने भाइयों के दरमियान सुलह को तरजीह दो, उनके दरमियान लड़ाई को मजीद बढ़ाने की कोशिश ना करो। तुम्हारी वजह से लड़ाई बढ़नी नहीं चाहिए बल्कि तुम लड़ाई के रोकने का सबब बनने वाले हो। उसी बात को यहां पर इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, तुम में से एक गुरु ऐसा होना चाहिए, यदउना इलल खैर, जो लोगों को नेकी की तरफ, खैर की तरफ बुलाए, व यअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी कामयाब हैं। फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी को जिस कामयाबी के बाद किसी किस्म की नाकामी ना हो, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो, यह हकीकतन इंसान को जन्नत तक ले जाने वाली कामयाबी है। इसी वजह से तर्जुमा यही किया कि वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये वो लोग हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के ज़ेल में एक तो पस मंजर बयान कर दिया इस वाक़े का, ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि तुमने जब कभी भी दो अफराद के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान लड़ाई हो रही हो तो तुमने उनके दरमियान सालिसी बन के उनके दरमियान सुलह करानी है, तुमने खामोशी से एक तरफ नहीं बैठना। मगर जो अल्फाज का चुनाव किया वो अल्फाज बहुत ज्यादा आम है। मुफस्सिरीन ने लिखा कुरान करीम के अंदर बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो वाकया तो कोई खास था, एक खास मौके पे पेश आया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर अल्फाज का चुनाव बहुत आम किया, एक उमूमी सा हुक्म दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि यह कुरान करीम क़यामत तक आने वाले अफराद के लिए मशअले राह है। कुरान करीम के ये अल्फाज, कुरान करीम के ये अहकामात आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए, सबकी रहनुमाई के लिए आए हैं। लिहाजा कुरान करीम किसी खास वाकये को सिर्फ जिक्र नहीं करता बल्कि मकसद यह है कि उस वाकये के जरिए से एक बहुत ही ज्यादा अहम सबक ईमान वालों को दे दिया जाए। लिहाजा इस वाकये का एक तो पस मंजर बयान कर दिया, इस वाकये के जरिए से ईमान वालों को तंबीह कर दी, बात यहां पर मुकम्मल नहीं हुई बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को यह बात बता दी कि देखो तुम्हारे भी जिम्मे ये काम है, जहां कहीं पे भी तुम लोगों को देखो उनको खैर की तरफ बुलाओ, और जहां कहीं पे भी तुम लोगों के साथ रह रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, लोगों को बुराइयों से रोको। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बुराई से रोकने के तीन दर्जात हैं। पहला दर्जा यह है कि इंसान अपने हाथ से उस बुराई को रोके। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तदार दिया है, तो जो तुम्हारे मातहत हैं उनमें से कोई अगर बुराई करता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने हाथों से उसको रोको। अगर एक वक्त का, एक मुल्क का हुक्मरान है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी रियाया के अंदर अगर कोई गलती करता है, बुराई करता है, तो उस बुराई को अपने हाथों से रोके। बाप है उसकी जिम्मेदारी है, मर्द है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी मातहती के अंदर उसकी बीवी, उसकी औलाद आती है, उनमें से कोई अगर बुराई के अंदर लगती है तो उसको अपने हाथों से रोके, ये उसकी जिम्मेदारी है। فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, अगर तुम हाथ से रोकने पे कादर नहीं हो, فَبِلِسَانِي, तो उस सूरत में अगर वो तुम्हारे मातहत नहीं है और तुम वहां पर अपने हाथ का, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपनी जबान से रोको, जबान से उसको रोको, मना करो कि भाई तुम ये किस गलत काम के अंदर पड़े हो, उसको समझाओ। और अगर तुम जबान से भी रोकने से पे कादर नहीं हो, बाज़ औक़ात मामला ऐसा पेश आ जाता है, ऐसी सूरत हाल में बंदा आ जाता है कि जहां पर जबान से भी उस बात को नहीं रोक सकता, कुफार के किसी इलाके के अंदर है, किसी मुल्क के अंदर है और वहां कोई बुराई खुलेआम हो रही है, अब वहां पर एक मुसलमान अपनी जबान को अगर इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करता है तो सारा का सारा कुफर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, यहां पर उसको मुश्किलात पेश आती हैं आइंदा रहने के एतबार से। तो शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर तुम अपनी जबान से नहीं रोक सकते, फबिकल्बी, अपने दिल में उस बुराई को बुरा समझो, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे निचला दरीन दर्जा है कि तुम बुराई को अपने दिल के अंदर बुराई समझो। अगर तुम्हारे दिल में बुराई बुराई नहीं लग रही है तो समझ लो कि ईमान का जो अदना तरीन दर्जा दिल के अंदर होना चाहिए था वो भी दिल के अंदर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि उलमा ने लिखा
एक गलत काम तो यह है कि इंसान गुनाह करे, ये अपनी जगह गलत है। उससे बड़ा गलत यह है कि गुनाह को गुनाह ना समझे। हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गुनाह को गुनाह ना समझना ये एक ऐसा जहर कातिल है जो इंसान को तौबा के बगैर इस दुनिया से ले जाने का सबब बन जाता है। गुनाह समझेगा तो तौबा करेगा ना, अगर गुनाह ही नहीं समझ रहा तो वो तौबा किस बात के ऊपर करेगा, और बगैर तौबा किए ऐसा शख्स दुनिया से चला जाता है। और उलमा ने लिखी ये बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर अपनी रहमत फरमाते हैं उसी के ऊपर उसके ऐबों को खोल दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर अपनी रहमत फरमाते हैं उस पर उसके ऐब को खोल दिया करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं उस पर दूसरों के ऐब को खोल दिया करते हैं। आज हमारा हाल यह है कि हमें अपनी आंखों का शहतीर नजर नहीं आता और दूसरे की आंख का तिनका भी नजर आ रहा होता है। वजह यही है कि हम अपनी आंख को नहीं देख रहे होते, अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे होते। अपने गुनाहों के ऊपर यकीन होने के बावजूद इंसान अपने आप से नफरत नहीं करता, और दूसरे के गुनाह का फकत शुबा हो जाए, फकत दिल के अंदर बात आ जाए कि शायद ऐसा है, इस बात पर दूसरे से नफरत करने लग जाता है। तो बहरहाल ये नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ये ईमान वालों का फरीजा है। इसकी कुछ तफसीलात हैं जो इंशाल्लाह आगे आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लदीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह ना हो जिन्होंने तफर्रुके डाले, अपने आप को गुरोहों में तकसीम कर दिया। वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़ह निशानियों के आ जाने के बावजूद उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। कुरान करीम या पिछली जितनी किताबें दुनिया के अंदर आईं, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो जबूर हो, चाहे इंजील हो, उनमें वाज़ह अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मौजूद थे। उन वाज़ह अहकामात के होने के बावजूद उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया, तो लिहाजा तुम उनकी तरह से आपस में इस कुरान करीम के आ जाने के बाद इख्तिलाफात में ना पड़ना, बल्कि कुरान करीम वाज़ह किताब है, इस वाज़ह किताब के अंदर किसी किस्म की फिरकावारियत में ना पढ़ना, किसी किस्म की मौजूआत के अंदर इख्तिलाफात में ना पढ़ना। पहले भी जिक्र की थी बात कि एक है इल्मी किसी मौजू के ऊपर कोई इख्तिलाफ राय का होना, ये अहले इल्म का हक है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्तिलाफुल उलमा रहमतुन, ये उलमा का इख्तिलाफ कर जाना किसी मामले में ये उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से रहमत होता है। लेकिन इस एक इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर आपस में झगड़े करना, फितने फसादात का फैलाना, खून बहा देना, दस्तो गिरेबान हो जाना, यह है तफर्रुकबाजी जिससे कुरान करीम रोक रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पिछली कौमों के अंदर यह मामला था कि जब उनके पास उनकी किताब आई उसमें वाज़ह अहकामात मौजूद थे, उन वाज़ह अहकामात के मौजूद होने के बावजूद उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर 72 फिरके बने, 72 फिरके बने, और उन्होंने मुख्तलिफ अपने अपने मन की, अपनी अपनी पसंद की तफसीरें, अपने मन के अपने मन पसंदीदा मसाइल इस किताब से निकालना शुरू कर दिए। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 73 फिरकों को पैदा फरमाएंगे। इस उम्मत के अंदर भी ये फिरकावारियत होगी, फिरकाबाजी होगी, और इस फिरकाबाजी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत 73 फिरके इस उम्मत के अंदर पैदा फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन 73 फिरकों में से एक फिरका ऐसा है जो जन्नत के अंदर जाएगा, 72 वो है जो जहन्नम के अंदर जाएंगे। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो एक फिरका फिरके नाजिया है, निजात पाने वाला फिरका है, ये कौन सा होगा, हम कैसे पहचाने कि कौन लोग सही हैं कौन गलत हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो अफराद हैं, हम अहले सुन्नती वल जमात, ये वो अफराद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात से क्या मुराद है? अहले सुन्नत वल जमात से मुराद ये है कि वो शख्स, वो गुरु कि जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, यह है अहले सुन्नत। जमात से मुराद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की जमात को मजबूती से पकड़ने वाला। गोया माना यह हुआ कि अहले सुन्नत वल जमात उस गुरोह को कहते हैं
कि जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला हो उस तरीके के ऊपर जिस तरीके पे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लिया। अहले सुन्नत वल जमात के जो अल्फाज नबी के लेते हो माना सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से समझते हो। देखिये कुरान करीम हो या हदीस मुबारक हो उसका एक माना वो है जो मेरे और आपके 1400 साल बाद समझ में आ रहा है, और एक माना वो भी हो सकता है जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पर बयान किया, सहाबा ने उस माने को समझा। यकीनन वो माना मोतबर है जो सहाबा ने समझा। एक सादा सी मिसाल इस बात को समझने के लिए यूं दी जा सकती है, एक लफ्ज है क्या बात है, इसको अगर गुस्से में कहा जाए क्या बात है तो इंसान समझता है कि कोई बहुत ही गुस्से में पूछ रहा है मामला क्या है क्यों पेश आ गया ये, और इसी को तारीफी अल्फाज में कह दिया जाए क्या बात है तो इसका माना यह है कि वाकई कोई बहुत ही पसंदीदा मामला पेश आया है, और इसी को सवालिया अंदाज में कर लिया जाए तो इसका माना कुछ और बनता है। लफ्ज एक ही है, तीन मुख्तलिफ लहजों के अंदर अगर उसी लफ्ज को कह दिया गया तो अल्फाज लहजों के फर्क से माने बदल गए। एक और मिसाल इसकी समझ सकते हैं, आप अगर हम यहां बैठे हैं और आप अगर किसी से कहें कि जी मुझे पानी चाहिए, अब यकीनन जो अकलमंद आदमी होगा वो गिलास के अंदर पानी लेके आएगा। आप गुसलखाने के अंदर हैं और आवाज लगाएं भाई पानी की जरूरत है तो कोई भी गिलास के अंदर पानी लेके नहीं आएगा, हर शख्स बाल्टी के अंदर पानी लेके आएगा। क्यों? मकाम ये बात बता रहा है, जगह ये बात बता रही है, सियाक व सबाक ये बात बता रहा है कि यहां पर जो पानी की जरूरत है वो किसी और माने में है, वहां पर पानी की जरूरत किसी और माने में थी। अल्फाज तो वही है, हम तक जो कुरान करीम अहादीस मुबारक पहुंची है ये सिर्फ अल्फाज पहुंचे हैं, किस लहजे में किस टोन में कहे गए किस सियाक व सबाक में कहे गए हमें नहीं मालूम। हम अगर इसको समझने की अपनी अकल से कोशिश करेंगे तो गलती करेंगे और गलती खाएंगे, जबकि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के वो मुकद्दस जमात है जो उस वक्त पर मौजूद थी, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु सलाम से अल्फाज को भी लिया, अल्फाज के मानों को भी समझा, उम्मत तक उसके माने भी पहुंचाए। लिहाजा हर वो गुरोह हर वो अफराद के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले होंगे उस तौर और उस तरीके पर जिस तरीके पर सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने इस दीन को सीखा है वही कामयाब है, वही फिरका नाजिया है। और जो कोई इस अंदाज में दीन को नहीं सीखेगा अपनी 1400 साल के बाद अपनी एक्सप्लेनेशन लेके आएगा, अपनी तशरी लेके आएगा, अपनी अकल को बुनियाद बनाएगा, वो हमेशा धोखा खाएगा। याद रखिएगा वही नाम है उस चीज का कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है और वो हुक्म अकल के बाद शुरू होता है, वही नाम ही उस चीज का है जो जहां पर अकल की इंतहा होती है वहां से वही की इब्तिदा होती है। तो कैसे इस अकल की बुनियाद पे वही को समझा जा सकता है? भाई वही को समझने के लिए अकल की जरूरत नहीं है, नकल की जरूरत है। सहाबा से सीखना है कि उन्होंने इसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस अंदाज में सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने 1400 साल तक न सिर्फ ये कि नबी सल्लल्लाहु सलाम के अल्फाज को सीना बसीना किताबों की शक्ल में आगे पहुंचा दिया, बल्कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को, नबी सल्लल्लाहु सलाम की अदाओं को, नबी सल्लल्लाहु सलाम के अल्फाज लहजों को, एक एक चीज को उम्मत तक पहुंचाया। आप गौर करें सहाबा ने कितनी ज्यादा इस बारे में एहतियात की है। एक छोटी सी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक बयान की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हदीस मुबारक को बयान करते हुए अपनी दाढ़ी को इस तरीके से पकड़ा। 1400 साल से जो कोई मुहद्दिस बयान करता हुआ आया उस मुहद्दिस ने अपने आने वाले शागिर्दों को बेऐन ही इसी अंदाज में बताया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हदीस मुबारक में यहां पर अल्फाज को इस्तेमाल किया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाढ़ी के मुबारक बालों को इस तरीके से पकड़ा था। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ अल्फाज हम तक चलते हुए नहीं आए, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा क्या था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस टोन के अंदर किस सियाक व सबाक में क्या गुफ्तगू की, ये सारी बातें सहाबा ने महफूज की और उम्मत तक पहुंचाई है। वही फिरका कामयाब है, वही गुरोह कामयाब है कि जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सहाबा के जरिए से सीख कर उम्मत उसके ऊपर अमल करेगा।
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, بعض چہرے وہ ہوں گے جو سفید ہوں گے چمکتے ہوئے ہوں گے, وتسود وجوہ اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم, رہی بات ان چہروں کی کہ جو سیاہ ہوں گے قیامت کے دن, اکفرتم بعد ایمانکم, ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. کیا معنی اس بات کا کہ تم ایمان تو لے آئے, اللہ رب العزت نے جو کلمہ بتایا جس کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوتے ہیں, وہ ایمان کا کلمہ پڑھ کے تم ایمان میں داخل تو ہو گئے, مگر ایمان میں داخل ہونے کے بعد تم نے کفر والی باتیں, کفر کی بات تھی کہ فرقہ واریت کو پھیلایا جائے, کفر کا کام تھا کہ وہ تفرقہ بازی انسانوں کے اندر کرے, کفر کا کام تھا کہ لوگوں کے درمیان دین کے اندر شکوک و شبہات کو ڈالے, کفر کا کام تھا کہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. یہ کفر کا کام تھا, یہ کام تم نے کرنا شروع کر دیا ایمان لانے کے بعد. اکفرتم بعد ایمانکم, کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, بس جو تم کفر کرتے رہے ہو دنیا کے اندر اس کی وجہ سے عذاب کو چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے دن, فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اللہ کی رحمت سے مراد جنت کے اندر ہوں گے, ہم فیہا خالدون, یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سفید چہرے سے مراد, ابیضت وجوہہم سے مراد اہل سنت والجماعت, وہ افراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, اس طور پہ کہ معنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے لیتے ہیں. اور فرمایا کہ سیاہ چہرے سے مراد اہل بدعت ہیں, وہ لوگ کہ جو دین کے اندر نئی نئی باتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا تین الگ الگ چیزیں, ایک یہ ہے دین کے اندر کسی قسم کا اضافہ کرنا, یہ کہلاتی ہے بدعت, ایک ہے دین کے اندر کمی کرنا, یہ کہلاتا ہے الحاد, اور ایک ہے جیسا دین ہے اس کو اسی انداز میں رکھنا, یہ کہلاتا ہے اہل سنت والجماعت. تو ہم الحمدللہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں, اس انداز میں جس انداز میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا. تلک آیات اللہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ اللہ کی بیان کردہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی, نتلوہا علیک بالحق, ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ سچ سچ صاف صاف ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین, اور اللہ رب العزت دونوں جہانوں والوں کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانوں پہ ظلم کرنا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ ظالم ہوتا تو تمہارے سامنے کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو اپنے احکامات کو بیان نہ کرتا. اگر اللہ نے کھول کھول کر اپنی نشانیاں اپنے احکامات تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے سامنے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا. یاد رکھو وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے, وإلى الله ترجع الأمور, تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پھر اسی کے بعد اسی مضمون کو اللہ رب العزت دوبارہ لوٹاتے ہیں, کنتم خیر امت, دیکھو ہم نے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر چن لیا, ہم نے تمہیں آخری امت بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے بہترین نبی تھے, ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ نبی تھے, جن کا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو پروردگار عالم نے اپنے لیے چن لیا ہو, اللہ نے جس کائنات جس شخصیت کو اپنے لیے چن لیا, جو نبی جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں, ہم نے تمہیں ان کی امت میں پیدا کیا, تو چونکہ تم بہترین نبی کی امت ہو لہٰذا تم بھی بہترین امت ہو. کیوں ہو یہ امت بہترین, یہ بہترین امت کا ٹائٹل کیوں ملا ہے تمہیں, وجہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کن تم خیر امت, بے شک تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کی رفع رسانی کے لیے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا. کیا کام کرنا ہے, لوگوں کا فائدہ کس کے اندر ہے,
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو تم نیکی کا حکم دوگے, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور نیکی ان کا اور تم برائی سے روکو گے, وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, ابھی جیسے ذکر کیا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے, یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہیں, بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں, مگر ایک بات جو سمجھنے کی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسند احمد کی اور طبرانی شریف کی روایت ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم ضرور بے ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو, ضرور بے ضرور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو, اگر تم ایسا نہیں کرو گے اَوْ لَيُسَلِّطُنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ, اللہ رب العزت تمہارے اوپر تمہاری قوم کے اندر سے جو سب سے زیادہ بدترین افراد ہوں گے ان کو تمہارے اوپر بحیثیت حکمران کے مسلط فرما دیں گے. اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے, برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے, تو اس کا سب سے پہلا وبال تمہارے اوپر یہ ہوگا کہ امت کے سب سے بدترین افراد, امت کی قوم کی سب سے بدترین لوگوں کو تمہارا سردار اور تمہارا حاکم مقرر کر دیا جائے گا. اور دوسری بات, وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگو گے, اللہ پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے. امت کا فریضہ تھا کہ وہ ایک ایک فرد کو روکتی, نیکی کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے, یہ امت کا فریضہ تھا, اور امت آج اپنے اس فریضے سے غافل ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے امت کے بدترین افراد کو امت کے اوپر بحیثیت حکمران کے مسلط کر دیا. ساری دنیا کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اے اللہ مسلمانوں کو زوال سے نکال دیجئے, پستی سے نکال دیجئے, ذلت سے ختم فرما دیجئے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے جیسے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے نہیں ہو رہی کہ امت کے ذمے جو کام تھا, جو ڈیوٹی تھی, اس نے اس ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا. یاد رکھیں, پچھلی جتنی امتیں آئیں ان امتوں میں کسی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی. ہر امت کے اندر ایک نبی آتا تھا, اس نبی کے جانے کے بعد اللہ رب العزت کسی دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ کام امت محمد یا علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ذمے لگا دیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کام انبیاء کا تھا وہ کام اب تم نے کرنا ہے. چنانچہ نبی کے دور سے یہ کام چلتا ہوا آیا, اور اس کی کوئی خاص چار دیواری نہیں ہے کہ یہ کام اسی کام کے اندر بند ہے. نیکی کا حکم کسی بھی انداز کے اندر دیا جائے وہ نیکی کا حکم ہے, برائی سے کسی بھی انداز میں روکا جائے وہ برائی سے روکنا ہے. اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو خاص نہیں کیا. چنانچہ دین کی جو کوئی محنت جہاں کہیں ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کے اندر شامل ہے. جہاں کہیں بھی مدارس عربیاں ہیں, نیکی کا حکم دینے والے ہیں, برائی سے روکنے والے ہیں. جہاں کہیں اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں, یہ بھی نیکی کا حکم دینے والی ہیں, برائی سے روکنے والی ہیں. جہاں کہیں اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں, جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے, یہ بھی نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. یہ ساری کی ساری دین کی محنتیں ہیں. مگر چونکہ آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے, آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے, ہر چیز کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, ہر چیز کے اندر اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے, تخصص ہو رہا ہے ہر چیز کے اندر. چنانچہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے, یہ علماء بھی تھے, مفتیان اکرام بھی تھے, محدثین بھی تھے, فقہا بھی تھے, سب کچھ یہی تھے. مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ وقت آیا, ایک افراد کا گروہ وہ بنا جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سمیٹنے کی, الفاظ کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لے لی. امت نے ان کو محدثین کہا. ایک گروہ نے اللہ کے محبوب اللہ رب العزت کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, امت نے ان کو قراء اور حفاظ کہا. ایک گروہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے تلفظ کی ادائیگی کو کی طریقے کو لے لیا, امت نے ان کو قاری کہا, تجوید کے ماہرین کہا.
एक ग्रोह वो था जिन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के माने को समझने का काम अपने जिम्मे ले लिया, लोगों ने उम्मत ने उनको फुकहा कहा। बिल्कुल इसी तरीके से एक ग्रोह वो था जिसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी कैफियत को, नबी सलाम ने नमाज पढ़ी तो नमाज में बातनी कैफियत क्या थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो दुआ के अंदर दिल की कैफियत क्या थी, ये भी एक काम था। जिस गुरोह ने इस बातनी कैफियत को समेटा, उम्मत ने उनको सूफिया कहा, तसव्वुफ सुलूक और मशायख के इकराम कहा। बिल्कुल इसी तरीके से एक गुरोह वो भी आया कि जिसने उम्मत का ये काम कि लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इस काम को बाकायदा मुनज्जम अंदाज के अंदर तरतीब दे दिया। आज दुनिया उनको दावत और तबलीग के काम से जानती है। ये कोई नया काम नहीं है दुनिया के अंदर, ये कोई अनोखी बात नहीं है, बिदअत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के 1400 साल के बाद ये काम दुनिया में आया, नहीं, काम वही है जो नबी सलाम के जमाने से चलता आ रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने के बाद इस काम को एक खास तरतीब की जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरतीब का काम हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उनके जरिए से ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरी दुनिया के अंदर फैला। इतना फैला, इतना फैला कि आप दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, किसी शहर के अंदर चले जाएं, आपको वहां पर लोग मिलेंगे जो दीन की दावत दे रहे हैं, जो वहां पर उम्मत की फिक्र के अंदर लगे हुए हैं, उम्मत की खातिर कुड़ रहे हैं, उम्मत की खातिर अपना जान, अपना माल, अपना वक्त हर वक्त लगाने के लिए तैयार हैं। उलमा ने लिखा कि ये जो दावत और तबलीग का काम है, ये इंसान की जिम्मेदारी है कि इसको सीखे, क्योंकि नेकी का हुक्म देना हर बंदे की जिम्मेदारी है। नेकी का हुक्म देना कैसे है, ये भी एक सलीका है। हमारे हजरत फरमाते हैं बाज औकात औलाद के बिगड़ने का सबब एक ये बनता है कि वालदैन को तरबियत नहीं होती कि औलाद की तरबियत करनी कैसे है, औलाद को नेकी का हुक्म देना कैसे है इस बात की तरबियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे नौजवान बच्चा है, अब उसने आपने उसको हुक्म दिया, आपने उसको कहा कि बेटा रोजाना फजर की नमाज में उठा करो, अब उसको ये बात आपने कह दी। अब सर्दी का मौसम है, रात देर से सोया, सर्दी की वजह से, रात देर से सोने की वजह से या किसी भी वजह से अब सुबह को नहीं उठता, तो बाप उसको गालियां देता है, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, सोता रहता है, उठता नहीं है, उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी, अल्फाज का चुनाव गलत इस्तेमाल कर दिया। इस तरीके से कभी दीन की तरफ नहीं आ सकता बच्चा। कुरान करीम कहता है इदफा बिल्लती ही अहसन, लोगों को बुराई से रोको उस अंदाज में जो बेहतरीन तरीका है। फ़इज़ल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन, अगर तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दुश्मनी भी होगी, कअन्नहु वलीयुन हमीम, वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। तो बेहतरीन अंदाज के अंदर दावत देनी है, ये सीखने का काम है। दुनिया का हर काम सीखे बगैर नहीं आता। किसी ने ड्राइविंग करनी हो, गाड़ी चलानी हो तो पहले उसको सीखता है। दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखे नहीं आता, तो दीन की दावत देने का काम है, ये भी बगैर सीखे नहीं आ सकता, इसको भी सीखने की जरूरत है। आप देखें कुरान करीम की एक तरतीब बड़ी अजीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले हुक्म दिया कि फिरकों में ना पढ़ो, फिरकाबाजी से अपने आप को रोको, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, उसके फौरन बाद हुक्म दिया कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। उलमा ने लिखा इसके दरमियान जोड़ क्या है, जोड़ यह है, तरतीब यह है, रब्त यह है इसके दरमियान कि अगर कोई भी शख्स दीन की उस मेहनत के अंदर लगेगा जिसके जरिए से लोगों को दीन की दावत दी जाए, लोगों को बुराइयों से रोका जाए, जो कोई शख्स भी इस दीन की मेहनत में लगेगा, ये दीन की मेहनत का नतीजा और समरा ये होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को जोड़ दिया करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाहमी इत्तेफाक नसीब फरमा देते हैं, बाहमी मोहब्बतें नसीब फरमा देते हैं। आप देखें मदारिस के तलबा को देख लें, आमतौर पर उमूमी तौर पर ये होता है, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं, मोहब्बत होती है। 8 साल एक साथ रहने के बाद जब 8 साल के बाद रुखसत हो रहे होते हैं तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि 8 साल का अरसा जो एक साल को एक साथ गुजारा है, उसमें दीन की वजह से एक ऐसा इत्तेहाद पैदा हुआ, एक ऐसा इत्तेफाक पैदा हुआ कि उसके बाद अब एक दूसरे से जुदा होते हुए दिल मगमूम है। दावत और तबलीग के काम में देख लें, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकात और मौलाली अपना एक वाकया सुनाते हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारी एक फ्लाइट थी,
जो चीन के एयरपोर्ट के ऊपर, चाइना के एयरपोर्ट के ऊपर कनेक्टिंग फ्लाइट थी। थोड़ी देर के लिए हमने वहां पर ठहरना था और उसके बाद वहां से आगे जाना था। वहां के लोगों को, मुसलमानों को पता चला तो वो एयरपोर्ट पे हमारे इस्तकबाल के लिए आए। हमें इजाजत नहीं थी कि हम एयरपोर्ट से बाहर जा सकें, एक दो घंटे की बात थी। फरमाते हम एक दो घंटे एयरपोर्ट पर रुके, वो हमारे पास आए, हमसे गले मिले, मुसाफा किया, साथ बैठ गए। न वो हमारी जबान समझते थे, न हम उनकी जबान समझते थे, एक दूसरे के साथ बस बैठे हैं। कुछ खाने पीने की चीजें वो लेके आए थे, उन्होंने कुछ इकराम किया। एक घंटा या दो घंटे के बाद अब वहां से रुखसती थी तो फरमाते मेरी भी आंखों में आंसू, उनकी भी आंखों में आंसू। कभी जिंदगी में एक दूसरे के साथ नहीं मिले थे, एक दूसरे की जबान नहीं समझते, एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, मगर ये दीन की बरकत है, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा दिया। आप देखें, आज ही का वाकया है, जो अफसोसनाक वाकया पेश आया मरी के अंदर, कि बर्फबारी की वजह से सैकड़ों अफराद उसके अंदर फंस गए और बहुत सारे जो है वो इस दुनिया से चले गए, जो जा चुके हैं, जो पूरी पूरी फैमिलीज चले गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात को बुलंद करे। मगर इस मौके पे एक तरफ तो लॉर्ड मैकाले की तालीम याफ्ता अफराद हैं, एक तरफ अहले मदारिस हैं जो जिन्होंने दीन की तालीम को हासिल किया, एक तरफ लॉर्ड मैकाले के तालीम याफ्ता हैं, एक तरफ हजरत शेख वलिंद रहमतुल्लाह अलैह के तालीम याफ्ता हैं। जो लॉर्ड मैकाले के तालीम याफ्ता थे, उन्होंने अपने होटलों के प्राइस डबल ट्रिपल कर दिए कि जी अब मजबूरी है, यहां पे ठहरना पड़ेगा, लिहाजा होटलों की प्राइस इतनी है। और जो हजरत शेख वलिंद रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे, उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द थे, उन्होंने अपने मदारिस के दरवाजों को खोल दिया। वहां पर ऐलानात हो रहे हैं बाकायदा, जो कोई जहां कहीं फंसा हुआ है, अहले मोहल्ला से अपील है कि उनको मदारिस के अंदर ले आए, इनके खाने पीने का इंतजाम भी हम करेंगे, बच्चों की दूध का, खुराक का, लिबास का, गर्म सर्दी के अंदर गर्म रखने का, रजाइयों का, हर चीज का इंतजाम हम करेंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नेमत इंसान को अता की है। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है नेकी का हुक्म देने से, बुराइयों से रोकने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वतुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वलौ आमन अहलुल किताब, अगर ये अहले किताब भी ईमान ले आए, लकाना खैरुल लहुम, इनके लिए ये बहुत बेहतर है, मिनहुमुल मुमिनून, इनमें से बहुत सारे तो ईमान ले आए हैं, जैसे अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी थे, इस्लाम ले आए, जैसे ही कुरान करीम के अंदर उनकी उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए। वह अक्सरहुमुल फासिकून, इनमें से अक्सर लेकिन नाफरमान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को कहते हैं, लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, परेशान ना हो, ये तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते मगर थोड़े वक्त के लिए सताएंगे। अगर ये तुम्हारे सामने तुम्हारे ऊपर गालिब भी आ जाए तो हमेशा के लिए गालिब नहीं आ सकते, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुम्हें थोड़ी बहुत ये सताने की बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वहीं युकातिलूकुम, अगर ये तुमसे लड़ाई भी करें, युवल्लूकुम अल-अदबार, तो ये पीठ फेर के भागेंगे, ثم لا ينصرون, फिर इनका दुनिया में कोई मददगार नहीं होगा। आयत की तफसीर पे क्या बात करनी, आज अफगानिस्तान के अंदर 80 ममालिक जो कुफर एक साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आया था, वो कुफर जिस शिकस्त से आज दो चार है, जितनी जिल्लत और रसवाई उसको ही, वो सारी की सारी इस आयत मुबारक की वाज़ह तफसीर है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि जो ईमान वालों को मारने की हैसियत से आए थे, ये इसलिए आए थे कि अल्लाह के कलमे को दुनिया से मिटा देंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह ने जिल्लत को इनके मुंह पे दे मारा, अइनमा सुक़िफू, जहां कहीं जाएंगे जिल्लत ही इनके मुकद्दर है, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, हाँ मगर ये कि इन्होंने अल्लाह की रस्सी को अगर पकड़ लिया, ईमान ले आए, व हब्लिम मिनन्नास, और लोगों की रस्सी को पकड़ लिया, लोगों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जोड़ लिया, तो फिर तो बात अलग है। अगर ऐसा नहीं किया तो इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत भी होगी। व बाउ बिगज़बिम मिनल्लाह, अल्लाह का गजब इनके ऊपर टूट पड़ा। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, दुनिया के अंदर मस्कनत भी इन्हीं के मुकद्दर के अंदर है। ذالک, ये इस वजह से है, بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, ये अल्लाह की आयतों को झुटलाया करते थे। وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, और नाहक अपने अंबिया को कत्ल किया करते थे। हदीस मुबारक गुजर चुकी है पहले, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्होंने एक दिन के अंदर 73 अंबिया 43 अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल किया।
43 अंबिया को एक दिन के अंदर शहीद कर दिया। एक आदमी का कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है, चाहे जाए कि वो अल्लाह वाला हो, चाहे जाए कि वो अल्लाह का नबी हो। और एक नबी, दो नहीं, तीन नहीं, 43 अंबिया और उनके 120 सहाबत है, उनको एक वक्त में शहीद कर दिया। وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, अंबिया का कत्ल किया नाहक तरीके से, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, ये वो लोग हैं जिन्होंने नाफरमानी की, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, और हद से तजावुज कर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके ऊपर जिल्लत को, मस्करत को तारी कर दिया। क़यामत तक इनके लिए जिल्लत है, मस्कनत है। अगर थोड़े वक्त के लिए तुम्हारे ऊपर बज़ाहिर गालिब आ भी जाए तो हमेशा हमेशा का गलबा इनको नहीं है। हमेशा का गलबा इस्लाम को है, हमेशा का गलबा अल्लाह के दीन को है और अल्लाह के दीन के साथ जुड़ने वालों को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपने दीन के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने की इस फरीजे को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सीखने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।